इस वक्त पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप सीधे देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर गुरु हरिचांद ठाकुर का जो बहुत महत्वपूर्ण उनके द्वारा बनाया हुआ मंदिर है वहां पर इस वक्त मौजूद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ये मतुआ समुदाय से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण मंदिर और मतुआ समुदाय या कहा जाए संप्रदाय की स्थापना करने वाले गुरु हरिचांद ठाकुर, जिनका जन्म ओराकांडी में हुआ था जो कि बांग्लादेश में मौजूद है, उनके परिवार से जुड़े हुए उनके वंशज आज भी वहाँ पर रहते हैं। उनके द्वारा समाज में उस वक्त की जो गलत मान्यताएं थीं, जो प्रकार से व्यवस्थाएं थीं, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ उनकी मान्यताओं को मानते हुए आगे बढ़े। और आज भी उनके अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है और मानने वाले लोग मौजूद हैं। जाता है, पंख चलाया जाता है, यहाँ की परंपरा है उसको यहाँ पर उसका पालन कर रहे हैं। गुरु हरिचांद ठाकुर और गुरु माँ की दोनों यहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है और खास तौर से लाल फूल जरूर चढ़ाए जाते हैं गुरु हरिचांद ठाकुर की पूजा में, क्योंकि उनको लाल फूल पसंद थे ऐसा यहाँ के पुजारी बताते हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री उन सभी परंपराओं का पालन करते हुए जो मतुआ संप्रदाय के लोग मंदिर में करते हैं, एक सामान्य जो पूजा की प्रक्रिया है उसका प्रधानमंत्री उसको पूरा कर चुके हैं। और ठीक आप प्रतिमा के ऊपर जो आप देख रहे हैं वो बताते हैं और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री उन सभी परंपराओं का पालन करते हुए जो मतुआ संप्रदाय के लोग मंदिर में करते हैं, एक सामान्य जो पूजा की प्रक्रिया है उसका प्रधानमंत्री उसको पूरा कर चुके हैं। और ठीक आप प्रतिमा के ऊपर जो आप देख रहे हैं वो भगवान मूर्ति रखी हुई है शेष रूप में। यहाँ के लोग जब पूजा कर हरिनाम ईश्वर की जब पूजा की जाती है तो यहाँ पर उस स्वर का उच्चारण किया जाता है और उसके साथ ही साथ ढोल नगाड़े भी बजाते हैं। ढोल शंख और मुख के जरिए जो आवाजें निकाली जाती हैं, ध्वनियां निकाली जाती हैं, उन ध्वनियों के जरिए भगवान को प्रसन्न किया जाता है। यही परंपरा का पालन यहाँ भी किया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु हरिचांद ठाकुर के इस मंदिर से बाहर निकलते हुए और अब वो बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इस मंदिर के विषय में एक बात ये भी जोड़नी जरूरी है कि मतुआ लोग गुरु हरिचांद ठाकुर को भगवान विष्णु का अवतार जरूर मानते हैं, लेकिन एक जैसे ऋषि परंपरा पहले होती थी वही उसी परंपरा का पालन आज भी मतुआ संप्रदाय में होता है। गुरु हरिचांद ठाकुर के बाद गुरु गुरचांद ठाकुर का जन्म हुआ, उन्होंने मतुआ संप्रदाय को आगे बढ़ाया। उसके बाद अन्य तरह से अभी छठवीं ऐसी पीढ़ी है जो गुरु हरिचांद ठाकुर की है और उनका उसी तरह से सम्मान है समाज में जैसा गुरु परंपरा में होता है। और अब प्रधानमंत्री बाहर निकल चुके हैं मंदिर के, बहुत छोटा सा मंदिर है, मंदिर के बगल में एक कुंड है, उस कुंड में स्नान करने से लोगों का मान्यता है कि उस कुंड में स्नान करने से जो सारे कष्ट हैं वो कट जाते हैं। और उसके जो बगल में गुरचांद ठाकुर का जो मंदिर है उसमें भी लोग जाते हैं, उसमें भी पूजा अर्चना करते हैं। और अब प्रधानमंत्री आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल से, वो भी उनके साथ हैं प्रधानमंत्री के।